हे हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज मैं इस वीडियो में सीएमए हयात की सक्सेस स्टोरी आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। होप सो कि ये स्टोरी आपको इंस्पायर करे एंड आपको बहुत सारी मोटिवेशन दे आपके सीएमए जर्नी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हयात कि आप मेरी सेशन में आए एंड आप अपनी स्टोरी डिस्कस करोगे हम सबके साथ। गुड मॉर्निंग रोहन, एंड थैंक यू यू टू कि तुमने मुझे इनवाइट किया और तुमने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूं, एंड थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर किसी के साथ होता है कि व्हाई यू चूज सीएमए इन इनिशियल स्टेज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सीएमए के बारे में अवेयरनेस नहीं होता। सो आपकी सीएमए को चूज करने के पीछे का क्या रीजन है? एक्चुअली मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी है, मुझे भी नॉलेज नहीं थी सीएमए के बारे में और थोड़ी सी लंबी स्टोरी है। एक्चुअली जब मैं बीकॉम कर रही थी, अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उस टाइम पे मैंने सोचा था सीए करने के बारे में। देन मैंने सीपीटी वगैरह का फॉर्म फिल करने की सोचा, लेकिन उस टाइम पे मेरे फादर ने डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा टफ होता है सीए, तुम नहीं कर पाओगी और इतना टेंशन नहीं लो, बीकॉम के बाद एमबीए करो, ठीक है वो। तो मैंने फिर मतलब पापा की बात मानी और मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैं एमबीए की ही प्रिपरेशन कर रही थी, लाइक मुझे टेस्ट देने थे कुछ स्नैप एंड लाइक मैट कैट वगैरह, मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। देन मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये टेस्ट में तो अगर जब मैं मैंने स्नैप दिया तो मेरे स्नैप में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो उसके बाद फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया सीएमए के बारे में, तो उसने बोला कि सीए तो तुम्हारे पापा ने मना कर दिया था, तो बिकॉज उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है सीएमए, तो वाई नॉट यू चूज सीएमए। तो मैंने पूछा व्हाट इज सीएमए, तो उसने मुझे बोला सीएमए इज जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल कोर्स लाइक सीए, एंड उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आपका टाइम नहीं लगेगा उतना। लाइक जैसे सीए में 3 साल की ट्रेनिंग कंपल्सरी है, बट सीएमए में ऐसा नहीं है, तुम इसको कम टाइम में कर सकती हो। सब्जेक्ट सारे सेम हैं जैसे सीए में होते हैं, प्रोफेशनल डिग्री भी है जस्ट लाइक सीए, और तुम्हें रिस्पेक्ट भी मिलेगी, स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने उसकी बात मानी और मैंने सीएमए चूज़ किया, एंड आफ्टर दैट मुझे लगा मेरा डिसीजन राइट था। ग्रेट, और मैं सब बच्चों को सजेस्ट करूंगी कि हाँ उनको सीएमए करना चाहिए। मतलब बहुत सारे कोर्सेस ऐसे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, बट इट डजंट मीन कि उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है। या लाइक देयर इज अ कोर्स आई थिंक एक्चुअली राइट यस या एक्चुअली के बारे में लोग नहीं जानते, बहुत लोग हैं जो नहीं जानते उसके बारे में, बट उसकी इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा कोर्सेस हैं जिनके इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है, लेकिन लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि सीएमए लोगों को करना चाहिए, और अवेयरनेस तभी बढ़ेगी जब मतलब लोग आकर तुमको बताएंगे सामने से, जस्ट लाइक यू, जैसे तुम अवेयरनेस फैला रहे हो सीएमए के बारे में, ऐसे ही लोगों को पता चलेगा कि सीएमए भी एक कोर्स होता है एंड वो भी प्रोफेशनल कोर्स है, उसकी इम्पोर्टेंस भी काफी ज्यादा है। सो आई एम हैप्पी विद यू कि तुम इतनी अवेयरनेस के बारे में फैला रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो। थैंक यू। सो नेक्स्ट थिंग, बिकॉज एक और क्वेश्चन है, जैसे कि जब हम सीएमए कोर्स हम ज्वाइन किया आपने, तो सीएमए एक प्रोफेशनल कोर्स है एंड ड्यूरिंग द 10th 12th या ग्रेजुएशन हम उतनी ज्यादा स्टडी पे फोकस नहीं रहते हैं, तो इन ड्यूरिंग दी सीएमए जर्नी आपको क्या क्या चैलेंजेज आए एंड किस तरीके से आपने उसको फेस किया? एक्चुअली मेरे साथ क्या था, जैसे मुझसे पापा ने बोला कि तुझसे सीए नहीं हो पाएगा, काफ़ी ज़्यादा टफ कोर्स होता है, वही माइंडसेट मेरा हो चुका था। सीएमए भी तो सेम ही है, तो मुझे लगता था ये भी तो प्रोफेशनल कोर्स है, तो आई थिंक मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही थी तो मुझे यही मेरे माइंड में था, मैंने इंटर में एडमिशन लिया था और मैं इंटर का फर्स्ट ग्रुप दे रही थी, मेरे माइंड में यही था कि यार पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हाँ तो हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैंने प्रिपरेशन की और मैंने तब बोथ ग्रुप डिसाइड किया था, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ ग्रुप, उसके मैंने प्रिपरेशन की। और मतलब मुझे पापा को रॉन्ग प्रूव करना था, बिकॉज उन्होंने बोला था कि तुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ तो
मैंने मतलब काफी ज्यादा मैंने स्टडी की, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की. मैं 12 to 14 hours लाइब्रेरी में रहती थी, पूरे दिन पढ़ती थी वहां पर. उसके बाद मेरा बोध ग्रुप क्लियर हुआ और मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मतलब मुझे लगता था नहीं होगा, लेकिन जो चीज आपको लगती है कि नहीं होगी, इम्पॉसिबल है, और वो हो जाए तो बहुत ज्यादा खुशी होती है. हाँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई. और दूसरी बात है कि मैंने पापा को नहीं बताया था कि मैंने CMM एडमिशन लिया. उनको यही लग रहा था कि MBA की प्रिपरेशन कर रही है, लेकिन जब मैंने उनको बताया इस बारे में तो वो बहुत ज्यादा मतलब शॉक हो गए थे. ये क्या है, तुमने एडमिशन कब लिया और तुमने क्लियर कब किया? पापा को एक्चुअली मैंने जब इंटर क्लियर कर लिया था तब मैंने पापा को बताया. पापा को मैंने एडमिशन लेने तक से कुछ भी नहीं बताया था कि मैंने एडमिशन लिया है, मैं क्लासेस ले रही हूँ. उन्हें कुछ भी नहीं पता था. या एक्चुअली मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया मुझे काफी ज्यादा. मम्मी ने पापा को यही बोला कि वो MBA की प्रिपरेशन कर रही है, और मतलब क्योंकि MBA भी अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो तो ही उसकी वैल्यू है. हाँ, तो उसके लिए मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ती है आपको टेस्ट वगैरह के लिए, और टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी लाने पड़ते हैं, जस्ट लाइक स्नैप है एंड काफी सारे टेस्ट होते हैं, मैट है एंड कैट है. जब आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो गया एंड फिर फाइनल का प्रिपरेशन करना था आपको, एंड फाइनल तो इंटर शायद आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था. किस तरीके से आपने क्रैक किया, एंड बिकॉज अब थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज था बिकॉज फाइनल में बहुत ज्यादा स्टडी सिलेबस है, एंड फिर उसको किस तरीके से आपने कम्प्लीट किया? एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं फाइनल में आई थी तो थोड़े से पर्सनल प्रॉब्लम हमारे घर में चल रही थी उस टाइम पे. तो मेरी जो स्टडी हुई थी वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी. मतलब मैंने फाइनल में क्लासेस भी ज़्यादा नहीं ली थी. दो तीन ग्रुप फोर में दो सब्जेक्ट लिए थे एंड ग्रुप थर्ड में भी दो ही सब्जेक्ट की मैंने कोचिंग ली थी. उसके बाद मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, घर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी. तो मैंने सोचा कि फोर्थ ग्रुप दे देती हूँ मैं, होता है तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप देंगे. तो फोर्थ ग्रुप मैंने दिया और फोर्थ ग्रुप मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ. उसके बाद मैं लाइक मोटिवेशन आ जाती है ना कि यार एक ही बार में हो गया, तो थोड़ा सा हम ऐसा भी हो जाता है कि थोड़ा सा यार ये तो एक ही अटेम्प्ट में हो गया, थर्ड भी ऐसी हो जाएगा. मैं उस वक्त थोड़ी ढीली पड़ गई और थर्ड भी मैंने यही सोचा कि हो ही जाएगा इस अटेम्प्ट में, बट थर्ड नहीं हुआ मेरा. थर्ड ने मेरे काफ़ी अटेम्प्ट ले लिए और काफ़ी मतलब मैंने स्टडी की थर्ड के लिए. और मैंने एक्चुअली फोर्थ ग्रुप के बाद ट्रेनिंग भी ज्वाइन की थी, तो उसकी वजह से भी उसमें स्टडी नहीं हो पाती थी, क्योंकि ट्रेनिंग जब हम लोग करते हैं तो एक तो टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, ऊपर से एग्जाम से भी आप यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने पहले छुट्टी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते. Yes. तो मतलब वही मैं पढ़ती थी, एक महीना पेपर देती थी, नहीं हो पाता था. लेकिन मैं थैंक्स बोलूंगी कोविड को, जिसकी वजह से मतलब मुझे टाइम मिला और मैंने मतलब पूरे साल स्टडी की उस टाइम पे. मैंने एक तो मतलब सब कुछ बंद हो गया था, कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं, तो उस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया काफी. मैंने टाइम टेबल बनाया, मैं घर पे पढ़ी, मैं मतलब हर टाइम मैं पढ़ती रहती थी. इवन मेरे घर में क्या होता था कि कोविड के टाइम पे, क्योंकि सब लोग घर पे थे, पापा घर पे थे, भाई वगैरह घर पे थे, कोई कॉलेज नहीं था, कोई जॉब नहीं था किसी का, सब लोग टीवी देखते रहते थे पूरे टाइम, और मैं मतलब मैंने कोई मूवी नहीं देखी उस टाइम पे. हाँ, मैंने कोई मूवी नहीं देखी, कोई सीरियल नहीं देखा, मैं सिर्फ स्टडी करती थी. और हाँ, आप जब मेहनत करते हो तो उसका फल आपको मिलता है. तो मतलब एक साल कंटिन्यू स्टडी करने के बाद मुझे वो फल मिला. और लेकिन मुझे उसमें भी थोड़े से हर्डल्स आए, लाइक जब रिजल्ट आया था तो मेरा मैं क्लियर नहीं हुई थी, मेरा लॉ रह गया था. लॉ में मेरे आई थिंक 2 या 3 नंबर कम थे. तो मतलब उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी. मतलब इतनी स्टडी की मैंने, पूरा साल पढ़ा, कहीं नहीं गई, मूवीज नहीं देखी, कुछ नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी मैं. और मैंने उस टाइम पे
सब कुछ छोड़ के दोबारा स्टडी पर फोकस किया, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम वेरिफिकेशन क्यों नहीं डाल देती। तो मैंने कहा हाँ, मतलब 2 मार्क्स कम है तो वेरिफिकेशन डाल देते हैं, हो जाता है तो अच्छी बात है। देन फिर मैंने वेरिफिकेशन डाला, और लेकिन स्टडी मेरी कंटिन्यू थी। मैंने सोचा था कि जून में एग्जाम होंगे, स्टडी मैंने कंटिन्यू रखी। फिर रिजल्ट आया उसका, वेरिफिकेशन का रिजल्ट आया और मेरे मार्क्स बढ़ गए थे। इवन मैं तो सोच रही थी कि 2 ही मार्क्स बढ़ जाए, लेकिन उन्होंने मेरे 6 मार्क्स बढ़ा दिए, और मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरे नाम के आगे CM में लग गया। एंड यू नो मैंने सुना था कि खुशी के आंसू होते हैं, बट मैंने पहली बार देखा कि हाँ खुशी के आंसू होते हैं जब कोई चीज आपको मतलब आप उसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और वो जब आपको मिलती है तो मतलब आपको बिलीव नहीं होता जल्दी से। Right. और मतलब मैं उस टाइम बहुत ज्यादा मतलब मैं लिटरली रो रही थी, मैं खुशी के आंसू थे कि मतलब कैसे हुआ ये। Yeah, I can understand. मैंने भी उस चीज को फेस किया है। एक क्वेश्चन मेरा और भी है, जैसे कि जब ग्रुप थर्ड में अटेम्प्ट्स 1-2 लग गए, तो उस समय ना काफी सारी नेगेटिविटी भी आ गई होगी, कुछ फैमिली मेंबर्स, कुछ रिलेटिव लोगों ने कहना शुरू किया होगा, तो उस फेज को किस तरीके से टैकल किया तुमने, वो चीज थोड़ा सा बताओ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो उस फेज से गुजर रहे होंगे। नहीं एक्चुअली ये मुझे लगता है ये सभी के साथ होता होगा, क्योंकि जब आपको कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है तो आपको सभी बोलते हैं। मेरे घर में भी सेम था, मेरे जो फादर थे वो मुझे कई बार मतलब बोल देते थे अब कि क्या है तुमसे एक कोर्स मतलब ये नहीं हो रहे हैं, एक पेपर क्लियर नहीं हो रहे, तुमसे 4 पेपर क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो मैं मतलब बोल देती थी पापा इतना ईजी नहीं है, ये BCom की तरह नहीं है कि अगर आपका एक सब्जेक्ट रह गया तो आप उसको बाद में दे सकते हैं, इसमें पूरा आपको देना पड़ेगा। पापा बोलते थे, एक्चुअली मेरी घर में शादी वगैरह की बात चल रही थी, पापा रिश्ते वगैरह देखते थे, तो मतलब गुस्से में बोल देते हैं ना छोड़ो ये सब तुम्हारे बस की नहीं है, खाना वाना बनाना सीखो, हम तुम्हारे लड़का देख रहे हैं, शादी करो। तो ये सब मेरे साथ होता था, मतलब बुरा तो लगता ही है लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक चीज है, अगर आपने कुछ ठान लिया कि आपको वो करना है तो आप उसको कर लेते हैं। अगर आपने दिल से उस बात को ठान लिया कि मुझे ये करना ही करना है तो आप वो कर लेते हैं। लाइक जो भी लोग बोल रहे हैं इधर से उधर से, सुनो उनको, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व इसलिए करो क्योंकि उनसे आपको सीख मिलेगी, आपको बुरा लगेगा, और जब आपको कोई चीज बुरी लगती है तो आप इम्प्रूवमेंट करते हैं खुद के अंदर। तो सेम चीज मेरे साथ भी थी, मैंने भी इम्प्रूवमेंट्स किए, काफी सुना। लेकिन हाँ एक चीज है, मतलब मेरे जैसे मैं मेरे फादर मेरे खिलाफ थे कि तुम्हें CA नहीं करना, और कई बार उन्होंने जब मेरा 3rd ग्रुप क्लियर नहीं हो रहा था उस टाइम पे भी मुझे काफी बोला, तो तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हें मतलब आगे फ्यूचर तुम्हारा है, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम आगे तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, अगर स्ट्रगल करने में तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अकेले हो तो भी स्ट्रगल करो, क्योंकि तुम्हें अपने लिए करना है, तुम्हारे लिए कोई और नहीं सोचेगा आगे, तुम खुद सोचोगे। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपके साथ कोई नहीं है, अगर आपके साथ कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो तो भी अपने लिए खड़े हो, बिकॉज तुम्हारे लिए कोई और नहीं करेगा आगे। यस 100% करेक्ट, यही सब था। सो नेक्स्ट थिंग, जब CA में क्वालिफाई कर चुके हो तो देन एक यस हेलो हाँ यस मैं बोल रहा हूँ, जब CA में क्वालिफाई कर चुके हो आप, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। सॉरी योर वॉइस इज नॉट, तो मैं ये पूछ रहा था कि बेसिकली जब CA में क्वालिफाई कर चुके हो तो कैंपस है और ऑफ कैंपस जॉब्स है, एंड मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो CA में क्वालिफाइड किए थे उस टाइम में, तो किस तरीके से उस चीज को फेस किया एंड जॉब के लिए ट्राई किया आपने? एक्चुअली पहली बात तो मुझे कैंपस मिली ही नहीं, क्योंकि मेरा वेरिफिकेशन में क्लियर हुआ था तो कैंपस निकल चुका था, बट फिर भी इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई मेल आ जाता था, लाइक कभी किसी कंपनी का आ जाता था, एक दो महीने के गैप में तो ऐसे आया मुझे भी, और मैंने फॉर्म भी फिल करे वो, बट कोई रिस्पांस नहीं आया। मे बी मेरे 3rd ग्रुप में अटेम्प्ट्स ज़्यादा थे इस वजह से, और
लेकिन मैं मतलब उसी के भरोसे बैठी थी कि हाँ कोई फॉर्म आएगा और मैं उसको फिल कर दूंगी, शायद ये नहीं तो अगला, और अगला नहीं तो उससे अगला हो ही जाएगा। मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आई थिंक 3 4 महीने बीत गए तो उस टाइम पे मुझे फील होने लगा, क्योंकि मेरे पापा मुझे फिर से बोलने लगे कि तुमने क्लियर तो कर लिया सीएमए, लाइक सीएमए बीच में आ गया। हाँ सीए कर लेती तो अब तक जॉब लग जाती, सीएमए किया देखो अभी तक जॉब भी नहीं लगी तुम्हारी। हाँ तो वही सीएमए फिर कहीं ना कहीं उसको डिग्रेड करने लगे वो। तो मैंने मतलब इस बात को मैंने उनकी सीरियस लिया थोड़ा सा, और फिर अक्टूबर में जाके मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट की, अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू किया। मैंने सोचा इंस्टीट्यूट से तो कोई मेल आ ही नहीं रहा है, और आता है तो उसका कोई जवाब ही नहीं आता, मैं अगर फॉर्म भी फिल कर देती हूँ तो। मैंने फिर जॉब ढूंढनी स्टार्ट की लिंक्डइन वगैरह पे और naukri.com पे, मॉन्स्टर वगैरह पे जॉब ढूंढने स्टार्ट की। काफी इंटरव्यूज भी दिए मैंने, जब आप इंटरव्यूज देते हैं तो आपको अपनी कमी का पता चलता है, देन जो कमी मुझे फिर पता चली देन मैंने उस पर काम किया। मैंने इंटरव्यू की तैयारी एकदम से मतलब कंटिन्यू रखी मैंने, जब तक मुझे फाइनल मैं सिलेक्ट नहीं हो गई एसेंचर में। काफी इंटरव्यूज मैंने दिए हैं जिसमें मैं फेल हुई, और फेल होना भी अच्छा है आपके लिए, आपको आपकी कमी पता चलती है, और जब आपको आपकी कमी पता चलती है तो आप उसको इम्प्रूव करते हो। डेफिनेटली। तो यही सब था। हाँ फिर सो एसेंचर इस में वेंचर में कैसे या रहा आपका जर्नी, मतलब किस तरीके से वहां से कॉल आया और सिलेक्शन प्रोसीजर तक? एक्चुअली मेरा उस दिन एक जगह इंटरव्यू था, मैं वहीं से इंटरव्यू देकर ही आ रही थी, तभी मुझे एसेंचर से कॉल आई। और एसेंचर से कॉल आने के बाद मुझे लगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने ना एसेंचर बोला नहीं था उस वक्त तक, वो कंसल्टेंसी थी कोई, लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थिंक। तो उन्होंने मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि कंसल्टेंसी को लेकर हमेशा से डाउट रहता है कि पता नहीं यार फेक है या नहीं है। मैंने उन लोगों से पूछ भी लिया था कि मतलब आप लोग मुझसे कुछ लोगे तो नहीं, जैसे पे वगैरह तो नहीं करना मुझे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपका इंटरव्यू डायरेक्ट एसेंचर में ही होगा, हम लोग नहीं लेंगे। और जब एसेंचर में मेरा इंटरव्यू, आई थिंक उन्होंने मेरा 2 दिन बाद ही इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया था, इंटरव्यू होने के अगले दिन बाद ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि आप सिलेक्ट हो चुके। और मतलब खुशी तो हो ही रही थी मुझे, मैंने पापा को बोला देखो तुम बोलते हो कि सीएमए, मतलब हर वक्त तुम सीएमए को डिग्रेड करते रहते हो, मुझे जॉब मिली और सीए के लेवल की ही जॉब मिली, तो सीएमए सीए इक्वल है। अब आपको समझ आ गया कि सीएमए सीए इक्वल है। तो देन मतलब बाकी मम्मी तो काफी खुश हुई होगी, बिकॉज मम्मी ने हमेशा शुरू से तुम्हें सपोर्ट किया, तो या उनकी मम्मी ने फीलिंग कैसी हमेशा थी? से मुझे सपोर्ट मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और वो बहुत ज्यादा खुश थी। उन्होंने भी पापा को सेम बात बोली कि देखो तुम मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक तुमने हमेशा ये बोला कि तुझसे नहीं हो पाएगा, अब सीएमए क्लियर हो गया, अब हम तो जब मानेंगे जब तुम्हारी जॉब लगे, क्योंकि सीएमए का तो हमने कहीं नाम ही नहीं सुना है, हमें तो लगता नहीं सीएमए वालों की जॉब भी लगती होगी। तो ये जब हुआ, जब जॉब लगी, तो मेरी मम्मी वाकई में बहुत खुश थी, और वो मेरे साथ में खड़ी हुई पापा को सुना रही थी कि देखो ऐसा बहुत भी हो सकता है। अच्छा लगा होगा। सो जब एसेंचर में FPNA की प्रोफाइल मिली तुम्हें, सो अभी तक तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही थी, राइट? 2 3 महीने का ट्रेनिंग हुआ। सो मतलब जॉब के टाइम में इंटरव्यू में किस फील्ड से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं? एक्चुअली जो आपकी प्रोफाइल होती है, आपसे ज्यादातर क्वेश्चन रिलेटेड जो होते हैं वो वहीं से होते हैं, ठीक है। लाइक मेरी प्रोफाइल थी FP&A, FP&A मींस फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। तो मेरे जो क्वेश्चंस उन्होंने पुटअप किए वो भी वहीं से थे, लाइक हमें फोरकास्टिंग एंड बजटिंग करना होता है FP&A की प्रोफाइल में मेनली, तो तो उनके क्वेश्चंस भी वहीं से आ रहे थे, लाइक फोरकास्टिंग क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, बस ये सभी क्वेश्चन सुन गए थे, बाकी बेसिक अकाउंटिंग एक्चुअल्स के बारे में और ये सब क्वेश्चन सुन गए थे। सो एट द एंड स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे, कुछ बेस्ड ऑन योर जर्नी? मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अगर आप क्वालिफाई हो चुके हैं, ये उनके लिए जो क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है, सिर्फ डिग्री मायने नहीं रखती है, आप अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, ठीक है। ऐसी डिग्री लेकर बहुत लोग हैं जो मतलब अभी भी, मैं अपने फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं बता सकती यहाँ पर, लेकिन वो पता है उसका मार्च में ही वो क्लियर हो गया था,
बट अभी तक उसको जॉब नहीं मिली है भाई। डिग्री है उसके पास, मार्क्स भी ठीक है, बट वही है कि उसने अपने स्किल्स पर काम नहीं किया। तो सबसे ज्यादा मेन जिन लोगों जो क्वालिफाइड हो चुके हैं उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने स्किल्स पर काम कीजिए, या स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है। आप अगर अभी खाली हो, जॉब सर्च कर रहे हो, तो वो भी आप कंटिन्यू रखो और साथ साथ अपने स्किल्स पर भी काम करो, लाइक एक्सेल है, एमएस ऑफिस वगैरह है, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ, ये सब मैं बताऊंगी। बेसिक अकाउंटिंग वगैरह पढ़ो, लाइक जो भी प्रोफाइल आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड आप पढ़ते रहो, उसमें नॉलेज लेते रहो। ओके थैंक्स, होप सो कि ये स्टोरी सबको इंस्पायर करे, एंड और भी इसी तरीके से मेरे चैनल पर भी सेम सक्सेस स्टोरी आती रहेगी। सो बच्चे इसको एंजॉय करें एंड कुछ सीखे, मोटिवेट हो, और अपनी सीएमए जर्नी डिसकंटिन्यू कभी ना करें, चाहे आपको एक अटेम्प्ट लग रहा है, दो अटेम्प्ट लग रहा है, बिकॉज एट द एंड ये मुझसे वो सीख सकते हैं। मतलब मैंने मेरे थर्ड ग्रुप के 5 अटेम्प्ट्स लगे हैं मुझे, और मतलब मैंने हर बार ये सोचा, मैं सुनती थी तो मैंने कई बार ही सोचा यार छोड़ दो इसको, मैंने एमकॉम में एडमिशन लिया होता, एमकॉम कंटिन्यू करते हैं या एमबीए करते हैं, इसको छोड़ो, नहीं हो रहा। जब काफी अटेम्प्ट हो जाते हैं तो डीमोटिवेट होने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आती रहती है कि नहीं हो रहा, छोड़ो इसको। मेरे दिमाग में भी कई बार आया ये, लेकिन ये है कि जो आप ठान लेते हो कि आपको करना ही करना है, आप वो कर लेते हो। ये तो राइट है, अगर आप 100% अपनी कोशिश जारी रखते हो तो एट द एंड आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही। So, हाँ, सेम। थैंक्स सैद कि यहाँ पे आके अपनी सक्सेस स्टोरी और अपने चैलेंजेस ड्यूरिंग द योर सीएमए जर्नी जो आपने फेस किया बच्चों के साथ बताया। थैंक यू कि तुमने मुझे प्रेजेंट किया सबके सामने, और मतलब मैं कोशिश करूंगी कि अगर आगे काम हो मुझसे या मैं किसी के काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। या डेफिनेटली, सो हम कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। होप सो कि लाइफ में और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स तुम्हें मिलते रहे। एंड यू टू थैंक यू थैंक यू।